rice, chana dal, kala chana, biscuit, peas. एक मिनट. ये क्या उठा लिया? बनाएगा कौन? कौन मतलब हम बनाएंगे? हम? अरे problem क्या है? देखना इस पे लिखा है. एकदम easy to cook है. कोई भी बना सकता है. कोई भी लिखा है. प्राइडी और सुहास भी नहीं. जब ये लिखा होगा ना तब खरीद लेंगे. और मैं तो कहता हूँ तब भी ना चैलेंज कर देंगे. चल रखी से और इंस्टेंट नूडल्स लेके आ जा. शाबाश. क्या यार आप लोगों ने नया नाटक लगा रखा है. जब देखो तब सर्च प्राइसिंग. इसीलिए ना मैं कैब ही नहीं लेती. वो तो मेरी स्कूटी खराब नहीं हुई होती ना तो मैं कभी आपकी कैब की घटिया सर्विस को झांक कर भी ना देखूं. अच्छा अगर मैं आपको भैया ना बोलूं तो क्या मुझे कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा? डैडी मम्मी का फोन है. तू बिलिंग करा के बाहर मिल. ओके. हाँ मैं ये भी बिल कर दूँ. हाँ मम्मा बोलो कैसे हो? हाँ बेटा कहाँ है तू? मम्मा बाहर आई थी. मैं कुछ काम है आपको? सुहास बेटा एक लड़की ने तुझमें इंटरेस्ट शो किया है. इंटरेस्ट शो किया मुझमें? हाँ. किसने? अरे है एक. कैसे? मेरे मतलब कहाँ? शुक्रवार.com पे. और कहाँ? अरे यार मामा अब फिर शुरू हो गए शादी शादी खेलना. मैंने आपको मना किया था ना. अरे बहुत अच्छी लड़की है. अच्छा और खुद आगे से इंटरेस्ट शो किया है उसने. अच्छा आपको कैसे पता चला उसी ने इंटरेस्ट शो किया? जैसे आप मेरा अकाउंट हैंडल कर रही हो सकता है उसकी मम्मी उसका अकाउंट हैंडल कर रही होगी. दोनों मम्मी आपस में इंटरेस्ट खेल के खुश हो रही है. ऐसा करो आप दोनों कर लो आपस में शादी. फालतू की बातें ना कर एक बार प्रोफाइल तो देख ले. बड़ा अच्छा लड़का है बेचारा. बेचारा तो क्या मैं दया करके उससे शादी कर लूँ? आप भी ना मामा यार ये कोई एज है मेरी शादी करने की? लो क्यों नहीं है? अरे इतना बड़ा घोड़ा हो गया है अभी नहीं करेगा तो बाद में ढंग की लड़कियां नहीं मिलने वाली. ए यार और अभी कर ली ना तो जो बाद में मिलनी होगी वो भी नहीं मिलेगी. अरे तू क्या जिंदगी भर वेट करती रहेगी? तेरे शहर में तो है एक बार मिल तो ले. अरे यार मम्मी नहीं करनी ऐसे शादी तो फिर मिलके क्या फायदा? मेरी एक इवनिंग खराब हो जाएगी और बंदे के ना फालतू मेहरबान जाग जाएंगे मुझसे मिलके. तो मुझे नहीं मिलना किसी से. अरे बेटा मिल लेना. नहीं पसंद आई तो मना कर देना. अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है तुझसे. हाँ आप कहाँ जबरदस्ती करते हो है ना. और नहीं तो क्या. अच्छा चल उसकी फोटो भेज रही हूँ मैं तुझे व्हाट्सएप पे देख ले. और सुन इसी वीकेंड पे मिलने का प्लान बना लेना. अच्छा ठीक है आप रखिए फोन. हाँ मैं करता हूँ आपसे बात. हाँ ओके. भाई क्या कर रहा है? आगे चलना है यार जल्दी. ला आप ही जाओ यार. क्या चाहिए भाई बढ़ा ले थोड़ा यार. भाई so discuss it amongst yourself and I want the report by Monday, right? Yeah? Okay. हाँ दीदी बोल. Hello, Susu. Hello. हेलो आवाज नहीं आ रही है. हाँ बोल ना. हाँ क्या बेब्स सुनने में आया तू फिर से मम्मी की बातों में आ गया? कोई बातों बातों में नहीं आया. तू मम्मी को जानती है ना. जिद कर रही थी तो मैंने सोचा मिल लेते हैं. चुप है फालतू बकवास मत कर. मम्मी ने फोटो भेजी है मुझे भी. हाँ गोरी चमड़ी देखी नहीं कि लार टपका दे पहुंच गए. ऐसा कुछ नहीं है. ओके चल चल एक्टिंग मत कर अब. क्या यार. अच्छा सुन अब मिलने जा ही रहा है ना तो नाक मत कटवा के आइयो. मतलब? मतलब ये कि बेटा इस मामले में आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक है. सुंदर लड़की देखी नहीं कि आपकी जबान ऑटो पायलट मोड में चली जाती है और फिर कन्या को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप झूठ बोल के आ जाते हो. और फिर उस झूठ को छुपाने के चक्कर में बात आगे नहीं बढ़ती. डफर पहले भी 3 बार तू नाटक कर चुका है. हाँ इस बार थोड़ा संभाल के. ओके अब तू मुझे लेक्चर मत दे वरना मैं और नर्वस हो जाऊंगा. सही है नर्वस होके ही जा कम से कम औकात में तो रहेगा. अच्छा चल एक बार रन थ्रू कर लेते हैं. हाँ दीदी टेल मी व्हाट आर यू नॉट. क्या है ये सब? सुसु
टेल मी व्हाट आर यू नॉट. मैं नहीं कर रहा है. चुप है. बता व्हाट आर यू नॉट. आई एम नॉट अ म्यूजिशियन एंड आई डोंट प्लान टू फॉर्म अ बैंड वन डे. ओके गुड. एंड एंड अ राइटर. आई एम नॉट इन अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनी नॉवल. And a budding entrepreneur. And I don't have any billion dollar idea. Great. And? And an astronaut. And an architect. And I'm not working on any secret mission. Okay? Happy? Good. So, tell me, what are you? I'm nothing. So, tell me now, what are you? I'm a simple IT guy, yaar. Right. So, meet her just like that, okay? Let her see your true self. Okay, maybe not exactly your true self. Try to act funny and all. But basic baatein sach sach batana, theek hai? Usme jhoot mat bolana. Haan haan, theek hai. Acha sun, kahan milne bulaya hai? Yahi ghar ke paas ek cafe hai na, wahan ja raha hu. Aur kya pehen ke ja raha hai tu? Wo black t-shirt to nahi na? Dekh, tujhe lagta hai ki tu usme bahut cool lagta hai, but trust me, it looks ridiculous on you. Nahi. Wo jo tune rust color ki shirt di thi na, wo pehen raha hu. Good. चल देन, all the best. Okay, thank you. अच्छा सुन, ढंग से बात करना हाँ. I'm sure she'll like you. Oh, really? What if I don't like her? चुप है. चमड़ी चोर. तू तो already उसपे लट्टू हो चुका है. साले कमीने. अब तक तो उसकी फोटो देख-देख के ग्लार टपका रहा होगा हाँ? हाँ, बता बता बता. है ना? चल जाना. क्या है? काम कर. Sorry for being late. वो actually ना मेरी स्कूटी खराब हो गई थी तो I had to take a cab. और इनका तो पता है ना they never. कुछ सोच रहे? नहीं कुछ नहीं. Please बैठो. Yeah. I'm sorry again. I mean आपको बहुत wait करना पड़ा. No problem. Yeah. Please sit. Yeah, thank you. You know what? I don't understand these 9-to-5 boring jobs. Life में ना कुछ passion होना चाहिए, कुछ अलग, कुछ हटके. I don't like those people who are too complacent with their lives. एक ठीक-ठाक सी job लग गई, पैसे आ रहे हैं, शादी कर ली, घर खरीद लिया. That's it. बस पूरी life इसी में निकल गई. Life में थोड़ा thirst होना चाहिए, कुछ अलग try करने का, कुछ अलग सीखने का. I know. तुम सोच रहे होगे, खुद तो 9-to-5 की जॉब करती है और मुझे ज्ञान दे रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. This is just for time being. तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है आपके? मैं बिल्कुल ही वास्को डी गामा टाइप लड़की हूँ. आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. मुझे देखना है लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं. खाना. आई एम बिग टाइम फूडी. इंसान को छोड़ के ना सब कुछ खा सकती हूँ. वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतना खाती होंगी. ये मेंटेनेंस है बॉस. क्या ना थोड़ी बहुत जिमिंग और थोड़ा बहुत अपने हाथ का खाना. आई एम अ बैड कुक. मैं सिर्फ खाना खा सकती हूँ, बना बिल्कुल नहीं सर. It's too yum. You know what? I'm really jealous of these chefs. They're magician. Correct. और वैसे भी ये खाना बनाना ना सबके बस की बात नहीं है. पता है मेरी मम्मा ने मुझे कितनी बार सिखाया पर मुझे बिल्कुल ही नहीं आता. You know what? I think I should marry a chef. वो खाना बनाएगा और मैं खाऊंगी. सही कहा. वैसे enough of me. तुम कुछ अपने बारे में बताओ. यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट?
Yeah, I am into softwares. Coding basically. I'm a Java developer and I work for this company called Zodiac. It's a nice company. Pays well and work wise is also very nice. But I don't like this. I don't like this boring job. You know, I'm into something else. Okay. Yeah. What is that? I'm into cooking. Cooking, actually. Cooking? Yeah. I want to become a chef. Really? Yes. I'm not that good at it yet, but I'm trying, I'm learning day by day. I love to cook, you know. I want to open my own restaurant one day. और ये जॉब भी उसी लिए कर रहा हूँ ताकि कुछ आई कैन सेव फॉर दैट। दैट्स अमेजिंग। वैसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जब हम कुक और शेफ की बातें कर रहे थे। पहले कैसे बोल देता? तुम खाने की बात कर रही थी और मैं कहता मैं शेफ हूँ। अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा लगता मैं तुम पर लाइन मार रहा हूँ और ऐसी फेंक रहा हूँ। सच बताना, कहीं सच में तो नहीं फेंक रहे हो? नहीं, मैं क्यों फेंकूंगा? Okay. नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मानिए। फिर से वही गलती दोहरा बैठा है सुहास। क्या अब इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी खास? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। चूती है, कुछ और नहीं कह सकता था, धोबी कबाड़ी ना ही कुछ भी बोल देता, पर शेफ साले अंडे तो उबलते नहीं तुझसे। किसी दिन कुक ना आए तो रॉकी बालबोआ की तरह कच्चे अंडे खा जाता है और तू उसके सामने शेफ बन रहा था। बेटा 5 मिनट में समझ गई होगी कि तू झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है। वैसे एक बात बता, तूने झूठ क्यों बोला बे कि मीटिंग अच्छी थी? नहीं, मेरे से बोला ठीक है, लेकिन यार दीदी को भी झूठ चिपका दिया। अब वो बेचारी समझ रही कि उसका भाई पहली बार झंडे गाड़ के आया है। बता दूँ उसे कि भाई साहब झंडे गाड़ के नहीं, बम्बू लेके आए। भाई रहने दे यार, दीदी को मत बताना। और मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ, मीटिंग वाकई बहुत अच्छी गई थी। कितनी बातें की थी हमने, बहुत कुछ शेयर किया था। और तुझे पता है जब मैंने उसे शेफ वाला झूठ बोला ना, उसके बाद मेरे को एक दो फालतू जो बहुत हंसी थी। सब कुछ पॉजिटिव साइन थे यार। अच्छा? हाँ। तो पूरे हफ्ते में उसने फोन क्यों नहीं किया? और जब तूने किया तो उसने कट क्यों किया? वो उस दिन मीटिंग में थी। हाँ तो बोली थी ना कॉल बैक करेगी, किया उसने? नहीं ना। तो भाई साहब बात यह है कि उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया है और वो समझ गई है कि तू एक नंबर का घटिया, चीप और लिचड़ इंसान है। या फिर बिना झूठ पकड़े ही वो ये सब समझ गई होगी। दोनों ही केसेस में वो तो तुम्हें फोन करने वाली है नहीं। तो बेटा अगर लड़की इतनी पसंद आ ही गई है तो तुम्हारी उतनी इज्जत तो है नहीं कि तू उसकी परवाह करे। बेशरम तो तू बचपन से है और अब डेस्पो भी बन गया, तो तू खुद ही कर लेना सामने से कॉल। उसने फोन उठा लिया और बात कर ली तो बेस्ट है, नहीं की तो वैसे भी हिला ही रहना, हिलाते रहना। पक्का लगा दूं फोन? कर ले बाप। ठीक है तो फिर मैं करता हूं, तू कह रहा तो। अबे राधिका का फोन। अबे तो उठा ना। ए रुक रुक रुक, ऐसे नहीं। अब पहले हंसी रोक, सांसें नॉर्मल कर और ऐसे उठा जैसे कि तू अभी सो के उठा है। क्यों? अबे डेस्पो लगना है क्या? जैसे बोल रहा हूं वैसे कर। अच्छा चल ठीक है। हेलो। हेलो सुहास, राधिका हियर। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नो नो इट्स फाइन, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा था। ओह आई एम रियली सो सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं तुम्हारे घर के बहुत पास में हूँ और मेरी स्कूटी खराब हो गई है, शुरू ही नहीं हो रही है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? या श्योर, आई मीन श्योर, टेल मी वेयर आर यू, आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक्स यार, आई विल व्हाट्सएप यू माय लोकेशन। प्लीज कम सून। ओके ओके श्योर श्योर। Okay, see ya, take care, bye. See ya, bye.
भाई लड़की घर आ रही है। डोंट वरी, हमारा ही बंदा है वो। मैं अपनी बाइक उसी के पास देता हूँ, 10 मिनट में तुम्हारी बाइक ठीक कर देगा। हाँ छोटू, 1 घंटे से पहले वो गाड़ी बंद ही नहीं चाहिए। ओके हाँ, कॉल करता हूँ। ही इज माई फ्रेंड एंड फ्लैटमेट प्रद्युमन। प्रैडी, प्रैडी, राधिका। हाय। हेलो। कम नाउ, हैव अ सीट। बैठो ना। प्रैडी वो फोन पे बात हो गई थी ना? हाँ हाँ, ऑल सेट। गुड। थैंक्स सुहास, आई होप मैंने तुम्हें ज्यादा ट्रबल नहीं करा है। अरे नहीं नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। वीकेंड था, फ्री थे हम लोग, कोई प्लान भी नहीं है सुबह का। इवनिंग में हमारा प्लान है। इवनिंग में प्लान है। ओके। हाँ, वो हम शाम को जा रहे हैं एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं। कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं? हाँ। व्हिच कॉन्सर्ट? वो क्या नाम है बैंड का? लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन? ब्लू फ्रॉग जा रहे हैं। ब्लू फ्रॉग, आह दैट्स कूल। मैं तो जनरली वीकेंड पे चिल करती हूँ, और वैसे भी वीक की पूरी भाग दौड़ के बाद किसमें इतनी एनर्जी बचती है। और मुझे लगता है कि लोग खुद को प्रेशराइज क्यों करते हैं कि वीकेंड में कुछ ना कुछ तो करना है, वरना लोग तुम्हें बोरिंग कहेंगे। अब ये भी कोई एंजॉय करने का तरीका हुआ? जब मन करे तब एंजॉय कर लो। इसीलिए मैं वीकेंड पे सो के अपनी बैटरी रिचार्ज करती हूँ। ये भी सही है, सही है। अच्छा तुम कुछ लोगी? पानी पियो ना। थैंक यू। घर पे कुछ खाने के लिए मिलेगा? एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। घर पे? वो घर पे तो तुमने बताया तो था, इसी बहाने तुम्हारी कुकिंग भी देख लेंगे, और अगर कुछ अच्छा लगा तो तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर मिल जाएगी। तो जल्दी से बताओ क्या खिला रहे हो मुझे। वो अभी 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 तो बाई भी नहीं आई है, और बर्तन भी सब धुले नहीं, ऐसे ही पड़े। बर्तन कौन सी बड़ी चीज है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं ही कुछ करता हूँ। क्या खाओगी? जो भी तुम खिला दो, पर थोड़ा जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी? ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं 1 मिनट में जाके आता हूँ। ओके? भाई मेरे तो लग गए भाई, अब क्या होगा? ये तो होना ही था, और झूठ बोल। तू बड़ा हरिश्चंद्र है ना? क्या हो? अभी बाहर किसने झूठ बोला था? अबे झूठ ऐसा बोलो जिसे कैरी कर सको। मेरा झूठ पकड़ा गया, और तेरा झूठ देख। वो सब छोड़ यार, अब बोल क्या करूं। तू है ना, ये कर। क्या ये? वही जो उस दिन तूने लेने नहीं दिया। साले आज यही जान बचाएगा तेरी। ये कैसे? तू टेंशन मत ले, तू बस पानी उबाल के बाहर जा, बाकी सब मैं संभालूंगा। 10 मिनट में ऐसे नूडल्स बनेंगे कि उंगलियां चाटते रह जाएगी तेरी मैडम। भाई तू एक कर तो लेगा ना? भाई मैं क्या, कोई भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, पर फिलहाल तू बाहर जा और दूसरा मोर्चा संभाल, मैं देख लेता हूँ। बाहर जाना। थैंक यू। हाँ पानी तो उबालने रख। भाई तू इतना नहीं कर सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं, नूडल्स बना रहा हूँ, गैस पर रख दिए हैं, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। इंस्टेंट नूडल्स? इंस्टेंट इज फॉर अमेच्योर मैम, ऑथेंटिक चाइनीज प्रिपरेशन है, खा के देखना, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। ओहो क्या बात है, कॉन्फिडेंस। वैसे ज्यादा टाइम लगेगा? ज्यादा नहीं, वो क्या है ना, कुछ अच्छी चीजों को बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तब तक हम दोनों बैठकर बातें कर लेते हैं। व्हाई नॉट, पर इस बात करने के चक्कर में कहीं तुम्हारी नूडल्स ना जल जाएं। उसकी टेंशन मत लो, वहां मैंने अपना असिस्टेंट शेफ छोड़ा है, वो संभाल लेगा। बाल बाल बचा है इस बार सुहास, क्या इस चटपटी दोस्ती में आएगी कुछ मिठास? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। साले कुमकरण की औलाद हो,
पिछले 10 मिनट से बेल बजा रही हूँ, फूक के सोए थे क्या? अरे आप मुझे क्या मार रहे हो, मैं कम से कम उठा तो। अपने भाई को देखो, अभी भी सो रहा है गधे बेच के। गधे नहीं घोड़े, गधे। क्या? नथिंग। कहाँ है ये सुसु? दिमाग खराब कर रखा है आपके भाई ने मेरा। सुसु दिन रात या तो उस बंदी से बात करते रहेगा या फिर उसके बारे में बोल बोल कर मुझे पकाता रहेगा। अरे पर ये है कहाँ सुसु? देखो यार पड़ा होगा यहीं कहीं। सुसु कहाँ मर गया है? आजकल उसके चक्कर में सेलेना गोमेज के गाने सुनने लग गया है। हार्ट वॉन्ट्स वॉट इट वॉन्ट्स, बहुत डिमांडिंग हो गया उसका हार्ट आजकल। दीदी मैं आपको बोल रहा हूँ, अपना लौंडा हाथ से निकल रहा है। पूरे घर में देख लिया मैंने, कहीं नहीं है सुसु। कहाँ गया? पता नहीं, रात को कुछ अपसेट सा था। बंदी ने जल्दी सोना है बोल के 11:30 बजे उसे बाय बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन थी। फिर उसकी चैट विंडो ओपन करके अपने फ़ोन को घूरे जा रहा था बस। फिर कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। अच्छा तो तुमने उसे लास्ट टाइम कब और कहाँ देखा था? क्या सीआईडी सीआईडी खेल रहे हो? उसको फोन लगाओ और उसको पूछो कि उसने लास्ट टाइम मुझे कब देखा था। जब से बंदी आई है लाइफ में मुझे भूल ही गया। क्या चल रहा है ये? क्या? तू राधिका को ना मैट्रिमोनी वेबसाइट के थ्रू मिला है, किसी डेटिंग ऐप के थ्रू नहीं। तो हल्की फुल्की बात होती है उससे, वो भी मैसेजेस पर। यार अभी तो दोस्ती हुई है उससे। तो हमें कब बताने का इरादा है? सेक्स होने के बाद? सेक्स? आपने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रखा है इसे। भाई साहब ने व्हाट्सएप पे चुम्मी वाली स्माइली भी भेजी नहीं होगी अब तक। क्यों? व्हाट? हाँ नहीं भेजी, नहीं भेजनी मुझे। और क्यों भेजूं यार, अभी तो दोस्ती हुई है उससे, 3 हफ्तों से बातें हो रही हैं और आप मेरी कामासूत्र 3D बना रहे हो उसके साथ। मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि तू कुछ गड़बड़ ना कर दे। यार अरेंज मैरिज का मामला है और इन सब में फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, तो अपनी लव मैरिज की फैंटेसीज यहाँ पूरी करने मत बैठ जाना। हाँ चल पैर उठा। अच्छा क्या बातें हो रही तेरी उससे? ऐसी कुछ खास नहीं, जनरल बातें, लाइफ, फैमिली, मूवीज, हॉबीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ शादी रिलेटेड बात हुई? और तू ये क्या खा रहा है? इट्स स्मेलिंग बैड, दिखा। दफर, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, देख। बेस्ट बिफोर 15 डेज लिखा है ना, मुझे सेकंड बेस्ट भी चलता है। चलो लाओ इधर, आप कंटिन्यू करो। हाँ शादी की कुछ बात हुई? जी नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई अब तक। तो किस चीज़ का वेट कर रहा है? देख यहाँ पे एजेंडा बहुत क्लियर है, मैरिज। तुम दोनों मिले ही इसलिए थे ना, सो डायरेक्टली ना सही बट कम से कम शादी के आसपास कुछ तो बात कर, कीप द कॉन्टेक्स्ट क्लियर ना। करूँगा ना दीदी, आई डोंट वांट टू स्केयर हर अवे, बस थोड़ी बहुत बात होती है अभी। थोड़ी बहुत? ये तो बोल रहा था कि फुल दीवाने में पागल चल रहा है यार। ऐसा कुछ नहीं है, कैजुअल बातें होती हैं मैसेजेस पर। हाँ कभी कभी फ़ोन हो जाता है, और मिले ही कितना है हम लोग, उस दिन से आज तक नहीं मिले। आज मिलने का प्लान है लेकिन तब से मैसेज कर रहा हूँ डिलीवरी नहीं हो रहा है, शायद उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। अभी तो कॉल करके कंफर्म करना स्विच ऑफ है या नहीं। हम लोग ऐसे फ़ोन नहीं करते हैं, पहले चैट पे। चैट पे क्या? चैट पे परमिशन लेनी पड़ती है दीदी। परमिशन? लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर की बहुत बड़ी फैन है। चुप कर, दे बीइंग नाइस, शरीफ लोग ना ऐसे ही बिहेव करते हैं, तुझे क्या पता। राधिका ये सही है, अब उसने तो नहीं ली परमिशन भाई से बात करने की, लड़कों के साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है। हाय राधिका, आई वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट यू बट हां मेरा फोन स्विच ऑफ था। लगा मुझे, तो फिर आज शाम का प्लान? नहीं एक्चुअली मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि आई विल हैव टू कैंसिल इट। कैंसिल? पर क्यों? माय पेरेंट्स आर हियर और वो अचानक ही आ गए। अच्छा कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ एक्चुअली एक बंदा है नितिन, 3-4 हफ्ते पहले ही बस हमारी बात शुरू हुई वही मैट्रिमोनी पे,
उसके पेरेंट्स यहाँ आ रहे थे तो पेरेंट्स पेरेंट्स की बात हुई और मेरे पेरेंट्स भी अचानक से आधम के। आज फैमिली मिलाप समारोह रखा गया है तो बस वहीं जा रही हूँ। ओके ठीक है। सॉरी हाँ, नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, ये सब अचानक से हो गया ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन। डोंट वरी, आई विल मेक इट अप टू यू। इन फैक्ट ना, मैं तुम्हें नितिन से मिलवाती हूँ, ही इज अ प्रोफेशनल शेफ इन फाइव स्टार होटल। मुझे लगता है ना उसे काफी फंडे मिल जाएंगे। व्हाट से? हाँ ठीक है, मिलते हैं किसी दिन जरूर। ओके देन, डन, टेक केयर, बाय बाय। ओके टेक केयर, बाय 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 बाय। इश्क अभी आधा है, शायद आधा ही रह जाएगा। क्या राधिका के दिल में सुहास प्यार जगा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। हेलो हेलो राधिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुहास, इतनी सुबह फोन क्यों किया? तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। नहीं कुछ खास नहीं है, मैं पूछ रहा था आज शाम को फ्री हो? आज शाम को? हाँ फ्री हूँ। ओके तो कैन यू कम टू माय प्लेस? योर प्लेस? व्हाई? एक छोटी सी पार्टी है, मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है, मैंने सोचा तुम भी आ जाओगी तो हम मिल भी लेंगे और बात भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पर ना आज पेरेंट्स की फ्लाइट थी 4 बजे की, मुझे सोते सोते 5 बज गए। आई एम टू टायर्ड। आ जाओ ना प्लीज, आई एम कुकिंग। ओह इज इट, फिर तो आना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, एट व्हाट टाइम? 8-9 बजे। तुम 9 बजे आ जाओ चलेगा? ओके सी यू एट 8। ठीक है सी यू, बाय। या ओके बाय। भाई आ रही है। यार ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? मतलब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यार, थोड़ा सटल होना चाहिए था। बेटा तुम्हारे सटल होने के चक्कर में ना तुम्हारी ये हालत हो गई है। अरे जिस लड़की से शादी के लिए मिलने गया था उससे भी फ्रेंड ज़ोन हो रहा है। नाउ इट्स टाइम टू गो ऑल आउट। अच्छा पर मैं बोलूँगा क्या? बोलूँगा क्या मतलब? अरे दीदी ने इतना बड़ा मोनोलॉग लिख कर दिया, याद नहीं किया? नहीं यार वो याद किया है बट। तू डर मत, मैं स्क्रिप्ट मेरे जेब में रखूँगा, तू भूल गया तो प्रॉम्प्ट कर दूंगा। नहीं उसका टेंशन नहीं है, मोनोलॉग तो मैं पेल दूंगा बट विल इट वर्क? क्यों दीदी के राइटिंग पर भरोसा नहीं है? यार राइटिंग पर पूरा भरोसा, पर मुझे लगता कहीं लेट तो नहीं हो गई वो साला नितिन उससे। सुन वो दूसरे लड़कों से तो मिलेगी। अरे अरेंज मैरिज इज लाइक शॉपिंग, जब तक बेस्ट डील नहीं मिले सर्च तो चलते ही रहता है, इसलिए तुझे बेस्ट प्रोडक्ट बनना है समझा? हाँ हाँ सब रेडी है, नहाया हूँ ऑब्वियसली, परफ्यूम भी लगाया है। हाँ साइड पार्टेड, आई एम लुकिंग फाइन। दीदी टेंशन क्यों ले रही है? हाँ हाँ सब रट लिया मैंने, एक दो लाइन चेंज किए मैंने उसकी हिंदी, एक तो माशाल्लाह उसको समझ में नहीं आता तो। हाँ हाँ उसके बाद भी मैंने सब रट लिया, तो टेंशन मत ले। 8 बजे हाँ देखो आने वाली होगी, तू रख फोन शायद वो आ गई है। ठीक है मैं तुझसे करता हूँ बाद में आराम से। अरे बाद में बताऊंगा ना, चल थैंक यू। ठीक है थैंक यू बाय। थैंक यू भाई। अरे वाह सर जी, इतने सजे सवर के कहाँ जा रहे भाई? अंदर पार्टी वार्टी चल रही है तो हम भी नाश्ता वास्ता कराओ यार। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं
हाँ मुझे वो प्राइडी भैया ने बुलाया ना वो दूध का बिल देने के लिए, तो हम तो वही देने आए हैं लेकिन प्राइडी ओ वाह रुके मैं लाता हूँ। अब तो कुत्ते बिल्ली भी आकर चले गए यार। राधिका कब आएगी? भाई कहा तो था आएगी पर आज थकी हुई थी, तो हो सकता है टिच मार दे। तो फोन करके पूछ लेना आ रही है या नहीं। रहने दे यार, डेस्पो लगूंगा मैं। क्या फर्क पड़ता है, डेस्पो तो तू है ही। अच्छा और तू बड़ा क्यूपिड है स्टूपिड, क्या जरूरत थी आज सबको बुलाने की? अगर टाइम पर आ गई होती ना तो सारी शाम रोमांस की जगह अकाउंटेंसी चल रही होती। दूध का इतना हुआ, बाइक का इतना हुआ। अरे मैंने उनको सुबह बुलाया था, मुझे क्या पता शाम को आएंगे। तो भाई कल बुला लेता, मैंने उसे रोमांस करने के लिए घर में बुलाया, अपने महीने का बिल बताने के लिए नहीं। देख आई एम सॉरी। अरे आज सैलरी का दिन है, हर महीने हम लोग लेट करते, सब लोग चिक चिक करते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको जल्दी बुला। देख तू चिल मार, सुन तू ज्यादा लोड मत ले, तू अपनी लाइंस तैयार रख, मैं देखता हूँ शायद राधिका ही हो। अबे राधिका है। क्या बात कर रहा है? हाँ। भाई तो कैंडल्स तो बुझ गई, रोज कहाँ है रोज, और कार्ड दिया था मैंने तुझे। अब वो सब छोड़, तू जाके दरवाजा खोल, मैं देख लेता हूँ कुछ। भाई रुक जा मेरे को एक मिनट। अब अबे यार तेरा नाम सुसु एकदम बराबर। भाई तू प्लीज दरवाजा खोल, मैं बस अभी आता हूँ प्लीज। हाय ब्राडी, सॉरी आई एम लेट। तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कोई कॉस्ट्यूम थीम थी? अब आवाज क्यों नहीं आ रही है किसी की, सब गए क्या? ब्राडी तो इतना मिस्टीरियस क्यों बिहेव कर रहा है? वेरी सुहास, सुहास ये सब क्या है? तुमने तो कहा था। मैंने झूठ कहा था, आज कोई पार्टी नहीं है। In fact, this is not the only lie I have told you. First meeting से अब तक मैंने तुमसे न जाने कितने झूठ बोले हैं। I was not a bad student. मुझे कभी NTSC और KVPI की scholarships नहीं मिली। Olympiad का तो पहला round भी clear नहीं हुआ था। 12th में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से IIT miss नहीं हुआ। I never had a chance. कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई अगली ब्रेकअप नहीं हुआ। मेरा पैकेज 15 लाख का नहीं है, 13 लाख का है। इनफैक्ट 12.65। एंड फ्राइडी इज नॉट गे। पर ये सारे झूठ मेरे पास्ट और इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंट के बारे में, जिनका मोस्ट प्रॉब्ली मेरे फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट आई हैव लाइड अबाउट माय फ्यूचर प्लान्स टू। मुझे कुकिंग पसंद नहीं है, इट्स नॉट माय पैशन। आई डोंट वांट टू बिकम ए शेफ। आई एम ए सिंपल IT गाय विद वेरी नॉर्मल लाइफ एंड वेरी ऑर्डिनरी एस्पिरेशंस। एक ठीक ठाक सी जॉब, छोटा सा घर, मिड साइज्ड कार और एक प्यारी सी बीवी, बस यही चाहिए मुझे।
जॉब मुझे किसी ठीक ठाक सी कंपनी में चलेगी, घर भी मैं खरीद लूँगा, और कार के ब्रांड को लेकर भी मैं बहुत पर्टिकुलर नहीं हूँ, पर जब से तुमसे मिला हूँ ऐसा लगता है बीवी तो तुम ही चाहिए। आई नो यू हैव बेटर ऑप्शन देन मी एंड आई एम नॉट द गाय यू एक्चुअली लुकिंग फॉर, पर एक मौका देके देखो राधिका, कुकिंग मेरा पैशन नहीं है बट आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, जैसे आज बनाया। मैं रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहता बट आई वॉन्ट टू बिकम योर पर्सनल शेफ। पर्सनल शेफ क्या, पर्सनल नाई, पर्सनल धोबी, पर्सनल ड्राइवर, जो तुम चाहो। मैं तुम्हें दुनिया घुमाना चाहता हूँ राधिका, दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। तुम्हारी स्कूटी जो बार बार खराब हो जाती है उसे बार बार बनाना चाहता हूँ, और और भी था, भूल गया, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट। किसने लिख के दिए हैं डायलॉग्स? दीदी ने। बुद्धू हो तुम और तुम्हारी दीदी, पूरी फिल्मी है ना। थोड़ा एक दो लाइंस कुछ ज्यादा ही चीजी हो गई थी। जो करो तुम, शक्ल ठीक करो और यहां आकर बैठो। पोस्टर शेफ बनना है, देखते हैं क्या क्या बना है। सब दिख तो बहुत अच्छा रहा है, वैसे लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, दिखते तो तुम भी बहुत सीधे थे। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं पहले क्या ट्राई करूं। कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। एक्स्ट्रा पास्ता। ओके। वाह सुहास जी, पास्ता तो जबरदस्त बना है, लगता है नौकरी पे रखना ही पड़ेगा। वेटर साहब आइए बैठ जाइए, शो इज ओवर, कैरेक्टर से बाहर आ जाइए। तुम्हारे चश्मे कहाँ गए? हीरो ने लेंसेस पहने। क्या बात है, I've got the same lamp. Really? Yeah. देखा हमारी चॉइस भी कितनी मिलती है। तुम ये ट्राई करो ना। तो आखिर सुहास भी इश्क का स्वाद चखता है, वो क्या है ना, अच्छी चीजों को बनने में वक्त तो लगता है।